क्योंकि लगभग 3 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि किसी ना किसी गांव के बच्चे ने ही एमपी में टॉप किया है। सैद्धांतिक होती है परीक्षा, जिसमें हम परीक्षा हॉल में लिखने बैठते हैं, वो आता है टोटल 70 मार्क का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, इन सभी की तैयारी कर रहा हूं। तो 12वीं की तैयारी कैसे करूं? अक्टूबर से लेके जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस एक नहीं दो बार खत्म कर, जो प्रैक्टिकल किए हो उसका वाइवा होता है, ओरल मौखिक परीक्षा जहां पर कोई बाहर का टीचर आकर के क्या लेता है, आपका वाइवा लेता है। जिस दिन आपने टॉप किया इस उन्नति बैच से मेहनत करके, मैं और मेरी टीम स्वयं आपके घर आएगी, आपको लैपटॉप, आपको मोबाइल, आपको टैबलेट देके जाएगी, आपको नगद पुरस्कार देके जाएगी। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अरिभियान के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं हमारे एमपी बोर्ड के 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जहां हम आपको बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन, साथ ही साथ ऐसी चीजें जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बेटा, आज मैं यहाँ पर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी लेक्चर या किसी भी तरीके की पढ़ाई से संबंधित चीज नहीं लेकर के आया। तो फिर आप पूछेंगे कि सर आखिर आप आज हमारे सामने आए क्यों है? तो बेटा, मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुछ बातें करने, क्योंकि अब आ चुका है अक्टूबर और फरवरी के एंडिंग वीक में हमारी एग्जाम्स हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास लगभग 4 से 5 महीने बच जाते हैं हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब तक किसी भी बच्चे ने अगर पढ़ाई चालू नहीं की है तो ये वीडियो देखो, इससे अपने आप को एनालिसिस करो और साथ ही अपनी पढ़ाई चालू करो। अब आप पूछेंगे कि सर इतने दिन से हम पढ़ाई कर रहे हैं पर कुछ याद नहीं रह पा रहा है, कोई वे नहीं बन पा रही है, हम आखिर करें क्या, पढ़े कैसे या कैसे हमारी पढ़ाई स्टार्ट करें? तो बेटा, इन्हीं सभी बातों का हल मैं लेकर के आया हूं आपके पास। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही खुशखबर बताने यहां पर आया हूं कि अरिभियान की उन्नति बैच की अपार सफलता के बाद अरिभियान ने लॉन्च कर दिया है उन्नति 2.0 बैच, जहां पर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों के बच्चों के लिए, बहुत शानदार चीजें यहां पर उपलब्ध होने जा रही हैं, जहां पर आप सभी विषयों के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, साथ ही साथ उनके मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के, यानी मैं माध्यम की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट हिंदी और सब्जेक्ट इंग्लिश की, इनके लेक्चर और इनके मॉक टेस्ट भी आपको अरिभियान की उन्नति 2.0 बैच में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी खुशखबर है एमपी बोर्ड के उन 12 से 15 लाख बच्चों के लिए जो रास्ता देख रहे थे कि भैया जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित, ये तो सभी कोचिंग, सभी इंस्टीट्यूट, सभी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, पर हमें तो हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर भी चाहिए। तो वो भी अरिभियान ने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है और अब आपको अरिभियान पर मिलने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश के भी लेक्चर, वो भी साथ ही साथ ऐसे एक्सपीरियंस टीचर से जिनको लगभग लगभग 9, 10, 8 सालों का एक्सपीरियंस है बोर्ड एग्जाम्स का। तो बेटा, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अब साथ ही साथ कुछ बातें मेरे को यहाँ करनी है आप लोगों से, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होने वाली है, आपकी तैयारी से संबंधित होने वाली। कई बच्चों के कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर हमने पढ़ाई तो शुरू कर दी है पर कुछ याद नहीं रह पा रहा, सर मैं आखिर पढ़ाई करूं तो कहां से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं अच्छे अंक अपनी परीक्षा में लाऊंगा। ये बहुत सारे बच्चों के सवाल है जिनके सभी जवाबों को मैं देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। पहले कुछ बात करते हैं आपकी एमपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के। सबसे पहली बात, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं नीट की, जेई की
या और किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। इन सभी की तैयारी कर रहा हूं तो बारहवीं की तैयारी कैसे करूं, या बारहवीं क्या उतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? तो बेटा चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम हो, बारहवीं की मार्कशीट जो है ना बेटा वो ही काम आएगी और उसी के परसेंट काम आ जाएंगे। चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे कलेक्टर बनना हो, चाहे एसपी बनना हो, चाहे रेलवे में या बैंक में जॉब करनी हो, ट्वेल्थ की मार्कशीट और उसके परसेंटेज ही काम आएंगे। ये बिल्कुल इस कंफ्यूजन में मत रह जाना कि ट्वेल्थ में चाहे कितने भी परसेंट ला लूं, चाहे कितने भी मार्क ला लूं, क्या दिक्कत है, करना तो इन्हीं की तैयारी है। पर ऐसा नहीं बेटा, अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहिए तो ट्वेल्थ में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे। अब ये अच्छे परसेंटेज आएंगे कैसे? मैंने हजारों उन बच्चों को देखा है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं फिर भी 60 से 65 लाते हैं, और मैंने ऐसे ही हजारों बच्चों को देखा है जो पढ़ाई तो सिर्फ 2-3 घंटा करते हैं पर 80, 90 और 95 लाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो लगभग 2-3-4 घंटा पढ़ाई कर पाता था और मैंने काफी अच्छे मार्क लाए हैं मेरी ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में। अब ऐसा क्यों? आप सोचेंगे कि सर जो बच्चा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसके 60-65 और जो बच्चा 2-3-4 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसके 80-85-90% कैसे आ सकते? तो बेटा जो 8 से 9 घंटा पढ़ाई कर रहा है ना, वो कर रहा है हार्ड वर्क। तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो यही बताया गया है कि हार्ड वर्क करो। तो हार्ड वर्क क्या नहीं करना है? बिल्कुल करना है, पर स्मार्ट वर्क के साथ। कैसे करना है बेटा? स्मार्ट वर्क के साथ करना है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है और कैसे किया जाता है, सबसे पहली बात ये होगी। मैंने मना नहीं किया है कि हार्ड वर्क मत करो, पर हार्ड वर्क को भी स्मार्टली करो, यानी उसको भी स्मार्ट वर्क करो। अब ये स्मार्ट वर्क होता क्या है? सबसे पहली बात, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं छोटे से गांव में रहता हूं, मैं ग्राम पंचायत में रहता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, मैं किसी तहसील में रहता हूं जहां पर मुझे कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई मेरा टीचर मुझे स्कूल के बाद नहीं पढ़ा रहा है। बेटा उन्हीं गांव के बच्चों को मैंने अपने टीचिंग कैरियर में, उन्हीं गांव के बच्चों को बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर और बहुत ही अच्छे पदों पर देखा है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर हमको मोटिवेशन दे रहे हो, ये सब बातें फालतू कर रहे हो। बेटा मनोज सर का नाम जानते हो? अभी ट्वेल्थ फेल देखी होगी ना आपने, ट्वेल्थ फेल एक मूवी आई है। मनोज सर हमारे मध्य प्रदेश के चंबल से आते हैं। कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश का चंबल वाला इलाका सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अपठित, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला या रेट वाला आपका डिवीजन था, पर वही से मनोज पांडे सर निकले हैं और आज महाराष्ट्र के क्या है बेटा, कमिश्नर है। ऐसे ही मैं एक और नाम बताऊं, डॉक्टर सुप्रिया जैन, मंदसौर की रहने वाली है, आज
भोपाल एम्स में भारत की नंबर वन क्या है? न्यूरो सर्जन है। बहुत कम लोग, बहुत हार्ड पढ़ाई होती है न्यूरो सर्जरी की। डॉक्टर सुप्रिया जैन आती है मंदसौर के एक छोटे से गांव से, आज भारत की, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की सबसे फेमस, सबसे ज्यादा अच्छी न्यूरो सर्जन। तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया, या क्या इनके गांव में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट थे, बहुत अच्छी कोचिंगें थी, बहुत अच्छे ट्यूशंस थे? नहीं ना, इन्होंने किया हार्ड वर्क साथ साथ स्मार्ट वर्क। तो बेटा, इन्हीं सभी चीजों को देखने के लिए कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कई बच्चों के कॉल आए कि सर मैं फलाने गांव में रहता हूं, मेरे गांव में सही से नेटवर्क नहीं है, कोचिंग तो दूर की बात है, मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, मैं कोचिंग कहाँ पढ़ने जाऊं? सर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे कोचिंग या किसी ट्यूशन में एडमिशन दिला सके। तो क्या ऐसे बच्चे 12th एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते? क्या उनके पास पैसे नहीं होना? क्या उनका गांव से आना उनके लिए बहुत बड़ा पाप हो चुका है? मैं गारंटी देता हूं बेटा आपको, मैं गारंटी देता हूं, अरिविहान के उन्नति बैच से पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, और मेरे ही जैसे काफी सारे एक्सपीरियंस टीचर है जो अरिविहान में आपको लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मॉक टेस्ट बना रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाली चीजें बना रहे हैं। हर एक गांव का बच्चा बेटा, टॉप करेगा इस एमपी बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि लगभग 3 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि किसी ना किसी गांव के बच्चे ने ही एमपी में टॉप किया है। चाहे आप सिवनी ले लो, चाहे छतरपुर ले लो, चाहे पांडुर्ना ले लो, चाहे छिंदवाड़ा ले लो, चाहे बैतूल ले लो, चाहे मंदसौर ले लो, चाहे बालाघाट ले लो, कहीं से भी गांव का बच्चा ही मैंने देखा है 3 वर्षों से टॉप कर रहा है। एक गरीबिहान का बच्चा है बेटा, अंकित चौबे, उसने टॉप किया है आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी माध्यम से। उसके पास तो कोई कोचिंग नहीं थी, उसके पास तो कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं था कि वो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर सके, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सके। पर बेटा उसी अंकित ने 97-98% लेके आया है और मध्य प्रदेश के हिंदी माध्यम में टॉप किया है। क्या बहाना दोगे आप, क्या बहाना दोगे आप अपने आप को कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी कोचिंग नहीं है, मेरे पास अच्छा रिसोर्स नहीं है कि मैं पढ़ सकूं? अरिव्यान के उन्नति बैच ने उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स को जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके मम्मी पापा की माली हालत ठीक नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए ले करके आई है उन्नति बैच 2.0, जहां पे सारी चीजें आपको मिल जा रही है। अब क्या एक्सक्यूज दोगे? अब करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुझसे या मेरे जैसे अन्य टीचर्स के साथ में मेहनत करनी है, और वो मेहनत बेटा, वो मेहनत आपके मार्कशीट में 20% ऊपर बढ़ा देगी। अगर आप 60 लाने वाले थे ना तो 80 करवाऊंगा, अगर आप 50 लाने वाले थे तो मैं 70-75-80 करवा दूंगा, अगर आप 70 लाने वाले थे तो मैं 95 करा दूंगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ और मुझ जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर के साथ। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, जो बेहतरीन आपकी पढ़ाई के लिए हो पाएगा सब कुछ यहां से करके दूंगा। काम क्या करना है? जो मैं बोलूं वैसी मेहनत करनी है। और आप ही अगले वो बच्चे होंगे
जो मध्य प्रदेश में टॉप करेंगे। और सबसे मेन बात, जिस दिन आपने टॉप किया इस उन्नति बैच से मेहनत करके, मैं और मेरी टीम स्वयं आपके घर आएगी, आपको लैपटॉप, आपको मोबाइल, आपको टैबलेट देके जाएगी, आपको नगद पुरस्कार देके जाएगी। ये मैं लिख कर दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बेटा सिर्फ हम बोलते नहीं है, हम करते हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लिए। अब हमारा परिवार कौन है? आप हो, आप हो हमारा परिवार, क्योंकि हमारा मानना है बेटा एमपी यानी मध्य प्रदेश बराबर एमपी यानी मेरा परिवार। मेरे छोटे भाई बहन जो आज 12th में चाहे पीसी बी लेकर हो, चाहे पीसी एम लेकर के हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो, चाहे इंग्लिश माध्यम से हो, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हो। इसलिए मैं मानता हूं मध्य प्रदेश यानी मेरा परिवार, और मेरे परिवार का वो बच्चा जिसके पास चाहे पैसे ना हो, जो गांव से आता हो, चाहे माली हालत ठीक ना हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, वो सिर्फ पैसे के लिए, वो सिर्फ रिसोर्सेस की कमी के लिए पीछे नहीं रहेगा। तो बेटा इतनी सब बात करने के बाद अब आ जाते हैं कुछ तथ्यों पर। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान का वो स्ट्रेटेजी जो इस अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक करनी है, क्योंकि बेटा फरवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और कुछ भी नहीं। तो चलो समझते हैं सबसे पहले कि करना क्या है। पढ़ाई चाहे शुरू की हो चाहे नहीं की हो, चाहे विचार बना हो कि पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे ना बना हो, तो इस वीडियो को देख लो। और हाँ, अगर आप 12th में नहीं, आप 11th में, चाहे आप 10th में, तो अपने उस भाई बहन को भेज देना ये वीडियो जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका कोई भी भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त दोस्त का भाई, दोस्त की बहन, जो भी 12वीं में हो, एमपी बोर्ड का छात्र या छात्रा हो, उन सभी के लिए ये वीडियो है। अगर आप नहीं हो तो उनको भेज दो, उनका फायदा होगा। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारे बायोलॉजी के पेपर के पैटर्न के बारे में। अब पैटर्न क्या होता है, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो यहां समझ लो। सैद्धांतिक होती है परीक्षा, जिसमें हम परीक्षा हॉल में लिखने बैठते हैं, वो आता है टोटल 70 मार्क का। वो पेपर कितने का आता है बेटा? 70 मार्क का पेपर आता है। उसके बाद बात आती है प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल की, जो आपके स्कूल में होते हैं, जिसके लिए आप फाइल बनाते हो, जिसके लिए आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाते हो, चाहे आप फाइल बना करके जमा करके मार्क ले लेते हो। सभी स्कूलों में स्कूल लेवल पर ही ये एग्जाम होती है जो 30 मार्क आपको दिलाती है। अब पहले बात करूंगा मैं केवल प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल की, तो इसके लिए 3 से 4 चीजें बता दूंगा जिससे आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे, ठीक है? कैसे? सबसे पहले तो बेटा फाइल सही से बना लेना, जो आपके टीचर बोले, जितने प्रैक्टिकल बोले, सब फाइल में लिख लेना। बच्चे यही सबसे ज्यादा काम चोरी करते हैं। सर ने बताया है 10 प्रैक्टिकल लिखना है बेटा, बच्चे लिख के आ रहे 5 प्रैक्टिकल, क्या मार्क देंगे सर? उसके बाद जो प्रैक्टिकल किए हो उसका वाइवा होता है, ओरल मौखिक परीक्षा, जहां पर कोई बाहर का टीचर आ करके क्या लेता है, आपका वाइवा लेता है। तो इसमें कैसे तैयारी करोगे? अगर ये फाइल सही से बनाओगे पढ़ते हुए तो इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। बताना क्या है? बताना यही है कि फाइल में क्या लिखा है, किस प्रैक्टिकल को कैसा किया जाता है, बस। उसके बाद इन दोनों का एक ही सलूशन है कि अपने सर या मैम की इज्जत करो, उनसे संपर्क में रहो, वो जो बोले उनका कहना मानो, उनकी रिस्पेक्ट करो। सर और मैडम के हाथ में ही है बेटा आपके ये 30 मार्क, ठीक है ना? तो ये 30 मार्क
आप चाहे तो 25 भी ले सकते हो, आप चाहे तो 10 भी ले सकते हो, डिपेंड आप पे करेगा। अपने क्लास टीचर की, अपने सब्जेक्ट टीचर की रिस्पेक्ट करो, उनके हाथ में है आपके ये 30 मार्क, और ये 30 मार्क बेटा आपके 12वीं के परसेंटेज को इतना ऊपर या इतना नीचे करने के लिए काफी है। ठीक है, ये बात हो गई प्रैक्टिकल की। अब बात करेंगे थ्योरी के एग्जाम की। अब यहां पर मेन खेल है, क्योंकि ये जो है पूरे पूरे आपके हाथ में है ये 70 मार्क। अब बात करेंगे ये 70 में से 65 कैसे ला सकते हो, ये 70 में से 70 कैसे ला सकते हो, ये 70 में से 67-68 कैसे ला सकते हो। सब कुछ संभव है बेटा, सब कुछ संभव है, बशर्ते आप मेहनत करें। और मेहनत भी कैसे, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको कि रात दिन एक कर दो पढ़ाई करने में, 4 घंटे करो, पर ऐसे तबीयत से करो कि लोग बोलने लग जाए, लोग आश्चर्यचकित हो जाए कि यार इसको तो मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है। सबसे पहली बात, आपको आपका पाठ्यक्रम याद होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बेटा, पाठ्यक्रम याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सिलेबस है आपका वो मुंह जबानी याद होना जरूरी है। चलिए एक बार देख लेते हैं अपने आंखों से और बात करेंगे फिर उसके बाद कितने में से कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसका दूसरा चैप्टर है मानव जनन और तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। ये जो तीनों पीले डब्बे में दिखाई दे रहे हैं इससे आते हैं पूरे पूरे 16 मार्क के क्वेश्चन। अब चाहे इससे 7 का आ जाए, इससे 8 का आ जाए, इससे 5 का आ जाए, इससे 1 का आ जाए, इससे 2 का आ जाए, ये पूरा पूरा निर्भर करता है बोर्ड के एग्जाम पेपर बनाने वालों पर। पर इस इकाई से, इस यूनिट से आपको 16 मार्क के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 16 मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये जो 3 चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाले चैप्टर हो जाते हैं, थोड़े हार्ड लगते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले सिलेबस देखते हैं फिर बात करेंगे कि किसको कब और कैसे पढ़ना। ठीक है, अगला चैप्टर आ जाता है 4th, 5th और 6th। चौथा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार और 6वां चैप्टर है विकास। ये 3 चैप्टर मिला करके आपको कितने मार्क दे रहे बेटा, 16 मार्क दे रहे। यही 2 यूनिट जो है, 2 ये इकाइयां है, इसमें से 16-16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और यही 16 × 32 मार्क आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 32 मार्क आपके पेपर की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले चैप्टर्स की, फिर बात करेंगे बेटा कब किसको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे 7th और 8th चैप्टर की, क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये दोनों चैप्टर मिलकर के आपको कितने मार्क दे रहे हैं बेटा, 14 मार्क दे रहे हैं। उससे अगला चैप्टर है 9वां और 10वां जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये दोनों मिलकर के कितने दे रहे बेटा, 12 मार्क दे रहे। उससे नीचे आ जाते हैं जीव और समष्टिया, पारितंत्र और जीव विविधता एवं संरक्षण, ये कितने दे रहे, ये तीनों मिलाकर के 12 मार्क। अब बात करेंगे कि कब कौन सा पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चों को, अब कई बच्चों में से मुझे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर जैव प्रौद्योगिकी वाले जो चैप्टर है दोनों वो बहुत ज्यादा हार्ड है। कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और मानव स्वास्थ्य या मानव जनन ये सब चैप्टर मुझे कठिन लगते हैं। तो बेटा सभी बच्चों के लिए उनका आकलन, उनका एनालिसिस अपना अपना अलग अलग हो सकता है। शायद आपको पारितंत्र बहुत सिंपल लगता हो, चाहे आपको मानव स्वास्थ्य या मानव जनन बहुत सिंपल लगता हो, है ना। तो सभी के लिए अलग अलग है, पर
हम बात तो यहां पर करने आए हैं कि कैसे अक्टूबर से लेके जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस एक नहीं दो बार खत्म कर दे। तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला देने आया हूं आपको, इतनी सारी बातें बताते हुए एक फॉर्मूला दूंगा, उसको अपना लो, 80 से 85 मार्क बायोलॉजी के पेपर में आप लेके आ जाना। कैसा है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूले का नाम है बेटा 3R। मूवी देखी है ना, RRR, बस वो मूवी का नाम याद रख लो, फिर मैं बताऊंगा कि ये 3R किस चीज को बता रहे। सबसे पहला आर बताएगा रीड, क्या है रीड यानी पढ़ो, दूसरा आर बता रहा है रिपीट यानी दोबारा पढ़ो, और तीसरा आर बता रहा है रिवीजन। तो पहला आर बोल रहा है पढ़ो, दूसरा आर बोल रहा है दोबारा पढ़ो, और तीसरा आर बोल रहा है कि रिवीजन करो। तो ये 3R का फॉर्मूला हर एक चैप्टर में लगा लो, हर एक चैप्टर को एक बार पढ़ो, फिर उसको दोबारा रीडिंग करो। रीडिंग करने का मतलब क्या है, बच्चे ना कथा बनाने लगते हैं चीजों को। एक बार पढ़ लिया, चाहे स्कूल में पढ़ लिया चाहे अरिव्यान का लेक्चर देख लिया, दूसरी बार पढ़ने का मतलब है कि आप अपने मन से उसको कितना लिख सकते हो, उसके कितने क्वेश्चन आंसर्स को हल कर सकते हो। तीसरे बार रिवीजन का मतलब ये नहीं कि पूरे पोथी पुराण, पूरा रामायण, पूरा महाभारत पढ़ लो दोबारा। रिवीजन का मतलब है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए वो पहले दो रीडिंग में कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक मेरे लिए हार्ड है, उसी की रिवीजन कर लो, उसको दोबारा तिबारा 4 बार पढ़ लो। बात खत्म हो जाएगी। मैं बता रहा हूं इन चैप्टर, इन 13 चैप्टर्स में से नवंबर और दिसंबर आते आते, इन 3R के फॉर्मूले के साथ में नवंबर और दिसंबर आते आते आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये बोलेंगे, बच्चों के मैसेज आ जाते हैं कि सर आप बायोलॉजी में इतना अच्छा दे देते हो दिमाग, पर फिर हमारे पास तो सब्जेक्ट है फिजिक्स भी है केमिस्ट्री भी है, या मैथमेटिक्स है केमिस्ट्री है फिजिक्स है, इनका क्या करें? तो बेटा इनके लिए भी समय निकालो और यही फॉर्मूला वहां भी अपनाओ, यही फॉर्मूला केमिस्ट्री के लिए भी अपनाओ, यही फॉर्मूला फिजिक्स के लिए भी अपनाओ, और यही फॉर्मूला गणित के लिए भी अपनाओ। और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपने दिन का हर 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दो, 2 घंटा बायोलॉजी को दे दो, 2 घंटा फिजिक्स को दे दो, 2 घंटा केमिस्ट्री को दे दो, और एक एक घंटा हिंदी इंग्लिश को भी दे देना, ठीक है? कुछ इतने ही 2 घंटों में इन 3R के फॉर्मूले के साथ में आपकी मार्कशीट पर 80, 85, 90 और 95% लिख के देने की गारंटी मैं दे रहा हूं। उन्नति बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर लेक्चर्स देख लो, मॉक टेस्ट दे दो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मेहनत आपको करनी है। अब बात करेंगे कि अक्टूबर में क्या पढ़ूं। अक्टूबर में कोई 4 चैप्टर उठा लो, और जिसमें से 2 आपको जो कठिन लगते हो और 2 जो आपको सिंपल लगते हो। 2 सिंपल के नाम मैं आपको बता देता हूं बेटा, पारितंत्र उठा लो, जीव और समष्टि उठा लो, या फिर जैव विविधता उठा लो, ठीक है? ये जो है इकोलॉजी वाले जो चैप्टर है, जो आखिरी यूनिट के चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर्यावरणीय चीजों के बारे में पढ़ना है, तो सिंपल है वो, ठीक है? उसके बाद इन 4 में से 2 ऐसे कठिन उठाओ जो आपको कठिन लग रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि ये फलाने 2 स्पेसिफिक चैप्टर उठा लो या ये 2 चैप्टर उठा लो, जो आपको 2 कठिन लगते हैं वो उठा लो। 4 चैप्टर यहां निपट गए,
उसके बाद नवंबर आते आते कितने बज गए, चार चैप्टर और उठा लो नवंबर। बेटा एक महीने में चार चैप्टर तो कंप्लीट कर सकते हो, बहुत सिंपल टास्क है। चार चैप्टर करना है पूरे एक महीने में, 30 दिन होते हैं बेटा। 30 दिन में से मैं मान लिया 10 दिन में आप 2 दिन शादी में चले गए, 2 दिन दिवाली आ गई, 2 दिन दशहरा आ गया, 2 दिन बीमार हो गए, 2 दिन कहीं बुआ की मौसी की सगाई थी, मामा की सगाई थी, सब कुछ निपटा के 20 दिन में तो चार चैप्टर कर लोगे ना। तो बहानेबाजी सिर्फ अपने आप से करूंगे और उसी टाइम जो खराब हुआ है उसको कैसे सही टाइम को यूज करना है वो भी अपने आप से करूंगा। मुझे नहीं पता एक महीने के अंदर में कितने दिन आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, शादी में जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, चाहे दिवाली दशहरा मना रहे हो। अपने मेहनत से इन चार चैप्टर को नवंबर में निपटा देना। अक्टूबर में चार, नवंबर में चार, कितने हो गए 8। अब आ जाता है दिसंबर, 8 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर बाकी है, दिसंबर और जनवरी बाकी है। तो दिसंबर में ले लो बेटा और 3 चैप्टर, ठीक है, फिर आने वाले में 2 बच जाएंगे, और 3 चैप्टर ले लिए दिसंबर में निपटा दिए। उसके बाद आ जाता है जनवरी, बचे 2 चैप्टर, 2 चैप्टर और निपटा दो जनवरी में, पूरा सिलेबस खत्म। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन सभी चैप्टर को, चाहे 4 चैप्टर करे, चाहे 3 चैप्टर करे, चाहे 2 चैप्टर चढ़े, करना कैसे है ये ट्रिपल आर वाले फॉर्मूले से, आर आर आर, रीड रिपीट रिवीजन, रीड रिपीट और रिवीजन, इन 3 चीजों के सहारे पूरा सिलेबस निपटा लो जनवरी तक। फरवरी में केवल और केवल, जब तक एग्जाम नहीं आ जाती, केवल और केवल उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को, उन आपके मुख्य बिंदुओं को पढ़ लेना जो आपको अभी भी कठिन लग रहे होंगे। जनवरी आते तक पूरा सिलेबस कंप्लीट, फरवरी में उन टॉपिक्स को पढ़ना सिर्फ जो अभी तक ढंग से नहीं समझ में आ रहे हो, चाहे याद नहीं रह पा रहे हो, उनको पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी और यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ इन 70 मार्क में से आप दावेदार हो जाओगे 60, 65, 67, 68, 69 और 70 के हकदार हो जाओगे। मेहनत सिर्फ ऐसी करनी है जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इस स्ट्रेटेजी के सहारे मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को मेरिट में आते हुए देखा है, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा के टॉप 10 में आते हुए देखा है। यही फॉर्मूला सना खान, अंशिका मिश्रा और अंकित चौबे जैसे बच्चों ने अपनाया था, मध्य प्रदेश के रैंक 1, रैंक 2, हिंदी माध्यम में रैंक 1, ऐसी रैंक लेके आए। तो अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, अपना अच्छा और बुरा जानने लगे, तो आपको यह तय करना है कि इस फॉर्मूले से पढ़ाई करनी है या वही घिसा पिटा जो हमारे स्कूल के मां साहब माट साहब ने बता दिया है कि बेटा पढ़ो पढ़ो याद करो रटो, उस वाले फॉर्मूले से पढ़ना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो #अरिविहान। और हाँ, एक और बात, मैं सभी बच्चों से सभी वीडियो में यही कहता हूं कि कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, एमपी बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित, अपने पढ़ाई से संबंधित, 12वीं की परीक्षा से संबंधित या किसी विषय से संबंधित, हमारी टीम से, हमसे, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के या कॉल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से संपर्क कीजिए, अपनी परेशानी बताइए, क्या दिक्कतें आ रही है ये बता दीजिए। हमारी टीम, मैं, पूरा अरिविहान परिवार आपकी मदद करने के लिए
चौबीसों घंटे तत्पर है। आप ही के जैसे हजारों बच्चे हर दिन मैसेज करते हैं, हर दिन कॉल करते हैं, अपने सारे कामों को छोड़ करके मेरा पूरा हरिविहान परिवार अपने हजारों इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके उस बच्चे की परेशानी को हल करने में लग जाते हैं। क्योंकि मैंने फिर बताया वही बात कि एमपी बोले तो मेरा परिवार, मध्य प्रदेश बोले तो मेरा परिवार, आप हो मेरा परिवार, आप मेरे छोटे भाई बहन हो जो इस बार 12वीं बोर्ड की एग्जाम दोगे। और फिर एक और बार वही बोल दूं कि जिस दिन आपने मेरिट में अपना नाम पा लिया, उस दिन अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर दोगे। मैं स्वयं आऊंगा आपके घर, आपको मोबाइल, आपको टैबलेट, आपको नगद राशि देने के लिए। बेटा एक छोटी सी बात और बहुत ही मार्मिक बात मैं आपको बताऊं, जब एक गांव का बच्चा अपने 12वीं बोर्ड के एग्जाम में टॉप करता है ना, चाहे अपने जिले में नंबर वन आ जाए, चाहे अपने जिले के टॉप 10 में आ जाए, चाहे अपने तहसील में, चाहे अपने स्कूल में, और चाहे मध्य प्रदेश में आ जाए, जब बेटा टॉप करता है ना कोई गांव का बच्चा, तो वो अकेला टॉप नहीं करता, उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके समाज जन, उसके गांव और उसके गांव में पढ़ने वाले वो सभी बच्चे जिनके लिए वो आगे मोटिवेशन का कारण बनने वाला है। बेटा हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर मेहनत करने के लिए तैयार है, बशर्ते बच्चा अच्छे से मेहनत करे। अब सोचना आपको यह है कि हुड़दंगबाजी में, मस्ती में, पहलवानी में, दोस्ती में, यारी में अपना करियर खराब करना है, या अच्छे स्टूडेंट बनके, अच्छे मार्क लाके, अच्छे मेरिट लाके अपने माता पिता, अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, सभी का नाम रोशन करना। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, इसी बात को लेकर के कि आगे मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए हरिविहान के साथ, हरिविहान की उन्नति बैच 2.0 के साथ। टाटा, बाय बाय और जय हिंद।